हेलो मेरे दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है, सब कुछ बेहतर और अच्छा होगा। मेरा नाम है रवि कुमार, एक्यूरेट इन्फो बाय रवि यूट्यूब चैनल का नाम है। अगर आज पहली बार देख रहे हो या गलती से मेरा चैनल देख रहे हो तो भाई शेयर सब्सक्राइब प्रेस द बेल आइकन ऑल का बटन दबा देना, और सारे जो फ्यूचर में अपलोड वीडियो होने वाले हैं सभी की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आपको मैंने बताया था कि लॉन्ग टर्म जो पास होल्डर्स हैं उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं। अभी जो रिसेंटली 21 फरवरी के बाद होने वाले, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है जो लॉन्ग टर्म पास क्या होता है उसके लिए भी होते। तो लॉन्ग टर्म पास की जो वीडियो जो है वो इधर आई बटन पर आ रही होगी कि आप सिंगापुर कैसे, अगर आप लॉन्ग टर्म पास होल्डर्स हैं। अब मैं बात करूंगा शॉर्ट टर्म वीजा की। भाई काफी ये पूछे थे कि सर शॉर्ट टर्म वीजा होल्डर जिसे टूरिस्ट वीजा भी कहते हैं उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है सिंगापुर आने में। तो भाई बताता हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म वाले हैं तो भाई आप VTL यूज नहीं कर सकते। 21st के बाद बहुत नॉर्मल सा कोई सी भी फ्लाइट्स लेके आ सकते। लेकिन आज ये वीडियो है शॉर्ट टर्म के लिए, जो शॉर्ट टर्म के में जो छोटे पीरियड के लिए आते हैं तो उसमें टूरिस्ट वीजा ही आता है या विजिट वीजा, दोनों का नाम एक ही है। तो बताता हूँ सिंगापुर का जो टूरिस्ट वीजा होता है 1 महीने का होता है, 1 महीना एक्सटेंड हो जाता है। मैं स्क्रीनशॉट भी दिखाने की कोशिश करूंगा साइड में, अगर आप पढ़ लेना। और सबसे अच्छी बात है कि सेफ ट्रेवल VTL आप क्लिक करोगे तो आप, अगर आप लॉन्ग टर्म वीजा हो तो क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। और अगर आप शॉर्ट टर्म वीजा है तो सेफ ट्रेवल, जो सेफ ट्रेवल VTL आप क्लिक करोगे तो वेबसाइट जो आएगी भाई उस पर आप जाके देख लेना। लेकिन मैं बताऊंगा स्क्रीनशॉट पूरा दिखा, तो इस वीडियो को पूरा देखना, कोई स्किप मत करना। तो ये वीडियो शॉर्ट टर्म वीजा के लिए है जो सिंगापुर में शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं एज अ विजिट वीजा। तो क्या है तो बता देता हूं भाई, सबसे पहले तो एक स्क्रीनशॉट देख लो उसके बाद। तो देखो क्या है, द फॉलोइंग मेजर्स आर एप्लीकेबल फॉर VTL ट्रेवलिंग एंटरिंग सिंगापुर फ्रॉम 21 फरवरी 2022 11:59 PM। कहने का मतलब यह कि अगर आप शॉर्ट टर्म वीजा होल्डर या टूरिस्ट वीजा है, टूरिस्ट वीजा आना चाहते हो तो भाई आपके लिए अपॉर्चुनिटी है वैक्सीनेट ट्रेवल लाइन और वैक्सीनेट ट्रेवल पास अप्लाई कर सकते हैं। अब उसमें भी थोड़ी आपको राहत क्या मिली है आप सुनना। तो सबसे पहले आपको, पहले तो टूरिस्ट वीजा अगर आप लेना चाहते हो तो वैक्सीनेट ट्रेवल पास, भाई वैक्सीनेट ट्रेवल पास ले रहे हो, अगर टूरिस्ट वीजा आप ले रहे हो तो वैक्सीनेट ट्रेवल लाइन ही एयरलाइंस होनी चाहिए सिंगापुर। आप डबल चेक करना भाई, बहुत कंफ्यूजन होती है VTL लाइन होती है। मैं शॉर्ट देने की कोशिश करूंगा ठीक है। और अगर आपको रिक्वायरमेंट्स वगैरह, मेरे और भी VTL की वीडियोस पुरानी पड़ी है, लेकिन ये जो न्यू लॉज है क्या रिक्वायरमेंट्स हैं शॉर्ट टर्म के लिए जो 21 फरवरी के बाद इंप्लीमेंट होने वाली है। तो फर्स्ट, सबसे पहले तो मैं मेजरमेंट जो जो सिंगापुर की गवर्नमेंट मेजर ले कि आप शॉर्ट टर्म वीजा पर आ रहे हो तो आपको पास क्या मेजर्स एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले अगर आप ट्रेवल हिस्ट्री की पहले बात करो तो पहले आपको किसी कंट्री में 14 दिन रहना पड़ता था। उससे पहले अगर, जैसे कहने का मतलब आप इंडिया में अगर 14 दिन पहले से हो तो आप सिंगापुर टूरिस्ट वीजा पर आ सकते थे, और नहीं तो अगर आप जैसे पहले, आप उसको ड्यूरेशन 7 दिन, कहने का मतलब अगर कोई दुबई में है, दुबई से इंडिया है, 7 दिन इंडिया में रहा है तो आप टूरिस्ट वीजा सिंगापुर का अप्लाई कर सकते हो। दूसरा जो है PCR जो है वो रिप्लेस्ड हो गई है ऑन अराइवल ART पर, लेकिन आपको पीछे बिफोर डिपार्चर 72 आवर्स की PCR रिपोर्ट चाहिए चाहिए, ये मेजरमेंट है। और हाँ, जब आप ऑन अराइवल आएंगे तो भाई आपके पास ART एंटीजन रैपिड टेस्ट जिसे बोलते हैं $12 का होगा, वो आपको एक ही दिन 24 घंटे के अंदर आपको सबमिट करना है। और उसके बाद कोई अनसुपरवाइज 2 से 7 दिन के बीच में, पहले वैक्सीनेट ट्रेवल लाइन में हुआ करता कि 7 दिन तक आपको रिपोर्ट जमा करनी पड़ती थी ART की, लेकिन अब एक ही बार होगी, वो भी ART वहीं एयरपोर्ट पर हो जाएगी, नहीं तो विद इन 24 आवर आप डिपोजिट करते। ये है वैक्सीनेट ट्रेवल लाइन का फायदा। तो अगर आप शॉर्ट टर्म पीपल हो, मी शॉर्ट टर्म विजिटर वीजा हो तो आप आ सकते हो भाई वैक्सीनेट ट्रेवल लाइन VTP पास यूज करके। अब डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए थे ये मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे पूछते हैं कि अगर टूरिस्ट वीजा के लिए आ रहे हो तो सबसे पहले एक आइटनरी होनी चाहिए कि आप कहां कहां जा रहे हो, कितने दिन के लिए, इस तरह की एक आइटनरी होनी चाहिए, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, और आपका ट्रेवल हिस्ट्री जिसे बोलते हैं ट्रेवल हिस्ट्री का आइटनरी में आ जाता है, और आपका COVID-19 इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए शॉर्ट टर्म के, लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए आप बाय कर सकते हो, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी कि कैसे बाय करना है मेरे चैनल पर जाके देख लेना, और मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा तो लिंक भी आपको दे दूंगा COVID-19 इंश्योरेंस। तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, प्री डिपार्चर 72 आवर्स की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, आप
के पास फ्लाइट टिकट VTL होनी चाहिए, VTP पास होना चाहिए, COVID-19 इंश्योरेंस आपको खरीदना है भाई, ठीक है। ये बहुत, क्योंकि ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म में आपको नहीं का, आपको खरीद $38 का होता है, 14 दिन का, 1 महीने खरीद लेना $60 का आएगा। तो ये डॉक्यूमेंटेशन आपको बेसिक रिक्वायरमेंट जो डॉक्यूमेंटेशन की वो आपको चाहिए, तो शॉर्ट टर्म। अब एक बात और थी कि वैक्सीनेट ट्रेवल लाइन, थोड़ी सी कंफ्यूजन इसमें और ये थी कि लोग पूछ रहे थे कि सर वैक्सीनेट ट्रेवल लाइन और कौन कौन यूज कर सकता है, लॉन्ग टर्म पास, सिंगापुरियन PR, तो आप नॉर्मल लाइफ नॉर्मल फ्लाइट्स लेके आ रहे हैं, तो वैक्सीनेट ट्रेवल लाइन क्या शॉर्ट टर्म के लिए ही है? तो भाई बताता हूँ, ऑल वर्क परमिट के लिए भी है, लेकिन वर्क परमिट अगर आप आपका जो सेक्टर है वो मैन्युफैक्चरिंग है, फार्मेटिकल्स है, ऑयल एंड गैस है, कोई और है, तो भाई आप VTL यूज कर सकते हो। लेकिन कंस्ट्रक्शन, मैरीन एंड प्रोसेस, अगर आपका जो सेक्टर है इन तीन इंडस्ट्रीज में से है, तो आप VTL नहीं यूज कर सकते, आपको WHPL वर्क है वर्क होल लाइन परमिट लेन यूज करनी पड़ेगी, वो अलग है, तो उसके लिए IP एंट्री उसका डिफरेंट। तो आज शॉर्ट टर्म के लिए थे, अगर आप शॉर्ट टर्म आना चाहते हो तो सिंगापुर ने VTL यूज करिए शॉर्ट टर्म के लिए, दूसरा वर्क परमिट के लिए, बट मैरीन कंस्ट्रक्शन प्रोसेस नहीं होना चाहिए आपकी इंडस्ट्री। आपकी इंडस्ट्री हेल्थ केयर चल सकती है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, या कुछ और लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउस, कुछ भी हो सकती है, लेकिन सर्विस इंडस्ट्री में हो सकता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन, मैरीन, प्रोसेस का अगर आपके पास वर्क परमिट है, आप वैक्सीनेट ट्रेवल लाइन यूज नहीं कर सकते। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।